दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की। इसके अंदर कितने फॉर्मूलेज यूज होंगे, कौन कौन सी शेप हैं क्लास 9th के अंदर, उन सारी चीजों की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्यूबॉइड की। क्यूबॉइड क्या है बच्चों? क्यूबॉइड की शेप ना कुछ इस तरीके से होती है हमारे पास, ठीक है, जिसमें आप बात करोगे ये आपके पास लेंथ हो गई, ये उसकी हाइट हो गई, और यदि इस फेस की बात करोगे तो आपके पास ये ब्रेथ निकल कर आ जाएगी। तो हमारे पास टोटल सरफेसेस कितने होते हैं भाई? हमारे पास एक, इसके बैकग्राउंड वाला दो, टॉप और ये लेफ्ट और राइट, जो भी हम आप वहां से देख रहे हो तो आपका राइट होगा और ये हमारा लेफ्ट होगा। तो टोटल 6 फेसेस होते हैं हमारे पास, ठीक है। अब हम इसमें 6 फेसेस में क्या, ये एक तो सराउंडिंग है ये वाला, जो हमारे पास वॉल्स वाला काम करता है। तो इसमें क्या होगा, 6 फेसेस में क्या क्या है? एक तो हमारे पास है 4 वॉल्स कह सकते हैं, और दो इसमें टॉप प्लस बॉटम, ये हमारे पास टोटल फेसेस में आ जाता है, ठीक है। अब हम सबसे पहले क्या यूज करते हैं, इसमें यूज करते हैं कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, ये हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं कर्व सरफेस। यदि भाई मैं इस क्यूबॉइड को कर्व करना चाहता हूं, कवर करना चाहता हूं, ये हमारे पास ओवल सरफेस, ये वाला मींस जो 4 वॉल्स हैं उसका एरिया हमारे पास आएगा। तो कर्व सरफेस एरिया का मतलब क्या है, दैट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ वॉल्स, और कितनी है, 4 वॉल्स, चारों वॉल्स का जो एरिया होगा दैट इज सीएसए ऑफ द क्यूबॉइड। अब मुझे इसका एरिया बताओ, देखो ये सबसे बड़ी साइड है, ये लेंथ हो गई, ये हो गई हाइट, ये वाली आपके पास हो गई ब्रेथ। तो आपके पास क्या क्या चीज निकल कर आएगी, पहले इसका एरिया बताओ। ये रेक्टेंगल दिख रहा होगा आपको, तो लेंथ इनटू हाइट, तो सीएसए का फॉर्मूला जब हम लिखेंगे तो हमारा आएगा लेंथ इनटू हाइट। अच्छा ठीक है, जितना सरफेस एरिया इसका है उसके पीछे वाली बॉल का भी सेम होगा, तो उसका कितना आ गया, 2 लेंथ इनटू हाइट प्लस, यदि मैं इस वाले की बात करूं तो इसका ब्रेथ इनटू हाइट, तो ये वाला एरिया कितना आ गया, ब्रेथ इनटू हाइट। भाई जितना एरिया इधर है उतना ही एरिया इधर भी है, तो ये हमारे पास 2 आ गया। क्या इसमें कॉमन आ रहा है कुछ, तो आप बोलोगे यस सर, तो 2h कॉमन आ गया है l प्लस बी, बात समझ में आ गया तक। दूसरी चीज, फिर सीएसए प्लस बॉटम भी काफी बार यूज होता है, किस किस केस में, सीएसए प्लस बॉटम, सीएसए मतलब चारों साइड और प्लस बॉटम। आपने मिठाई का डब्बा देखा होगा, तो मिठाई के डब्बे में क्या होता है, ऊपर वाला हमारा अलग पीस होता है और नीचे वाला हमारा अलग पीस होता है। जैसे बूट का बॉक्स होता है, आपके शूज के बॉक्स हो गए वो आपके मिल जाएंगे, जैसे आपका लंच बॉक्स होता है, लंच बॉक्स भी नीचे आपका क्यूबॉइडल और ऊपर उसका टिफिन को बंद करने वाला होता है। तो ये हमारा सीएसए प्लस बॉटम। तो क्या यूज करेंगे भाई, सीएसए तो कितना था, 2h l प्लस बी, और बॉटम बताओ भाई, बॉटम की हम बात करें ये तो हो गई लेंथ, ये लेंथ और ये क्या थी, ब्रेथ, तो लेंथ इनटू ब्रेथ, तो एल इनटू बी ये आ गया, बात समझ में आई हुई हमारे पास। फिर सी एस ए प्लस बॉटम प्लस टॉप, इसको हम टी एस ए भी बोल सकते हैं, मतलब टोटल सरफेस एरिया। जब हमारे पास ये पूरे को, मैं आप चाहता हूं कि ये कितना कवर करना चाहता है, सपोज मैंने आपने पेपर लिया, पेपर से मैंने इसके ऊपर कवर चढ़ाया, यहां पे भी कवर चढ़ाना चाहा, मैं पूरे को कवर करना चाहता हूं, तो टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, पहली चीज तो क्या होगा, देखो नॉर्मली भी निकालोगे तो सीएसए हम कवर कर चुके थे चारों साइड, हम बॉटम कवर कर चुके थे इसमें, अब हम बात करते हैं टॉप की। तो जितना एरिया नीचे का था उतना एरिया ऊपर वाले का भी होगा, तो यह रहेगा 2l इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। अभी कैसे आ गया मैं आपको बताता हूं, देखो एल इंटू एच हमारे पास ये रहा, एल एच 2 हो गए, प्लस इसका एरिया कितना भाई, बी इंटू एच, बी इंटू एच ये भी 2 हो गए क्योंकि यहां और ये वाला, बॉटम की बात करी एल इंटू बी प्लस 2 एल इंटू बी हो गए, क्योंकि जितना बॉटम का है उतना ही टॉप का भी है। तो हमारे पास टोटल ये वाली चीज आ गई। अब देखो किस किस केस में कहां कहां पर हम यूज कर सकते हैं, यदि सिर्फ बॉटम प्लस टॉप होगा तो ये, यदि बॉटम की जगह वो टॉप भी ले लेता, जैसे आपने देखा होगा गाड़ियों का जो हमारा कवर होता है ना कार का, तो उसके नीचे तो कुछ होता नहीं है, चारों साइड कवर होती है और टॉप कवर होता है, वहां पे आप ये वाली चीज यूज कर सकते हो। सीएसए में और क्या यूज कर सकते हैं, सपोज आपसे बोलते हैं यहां पे पेंट करना है,
आपके घर में जो पेंट होता है वो कहाँ का पेंट होता है? एक तो चारों वॉल्स पे और एक टॉप पर। भाई ग्राउंड पे तो हम पेंट कराते नहीं है ना, तो उस वाले केस में क्या रहेगा? एक तो वॉल्स कवर होंगी, दूसरी चीज बॉटम कवर होगा। तो ये वाली चीज हमारे पास आ गई पूरी क्यूबॉइड की। अब स्टूडेंट्स हमारे पास आती है बात वॉल्यूम की, मींस वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। वॉल्यूम का मतलब क्या है? जैसे भाई इस क्यूबॉइड को मैं अपने रूम के अंदर रख दूं, ठीक है, एक क्यूबॉइड यहां रख सकता हूं, फिर इसके ऊपर एक और, फिर इसके ऊपर एक और, फिर इसके ऊपर एक और, इस टाइप से। मतलब एक ये सिंगल क्यूबॉइड कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, तो क्या बोल सकते हैं? स्पेस ऑक्यूपाइड बाय क्यूबॉइड, मतलब वो क्यूबॉइड कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, दैट इज नोन एज द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। कितना कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा होगा? पहली चीज तो बेटा ये बेस ऑक्यूपाई कर रहा है इतना, और बेस का एरिया कितना है? इसका हमारा फॉर्मूला होता है बेस एरिया इंटू हाइट। अब भाई बेस एरिया बताओ मुझे, दैट इज एल इंटू बी, कितना आ गया? एल इंटू बी। एंड व्हाट इज हाइट? दैट इज एच। ये आ गया एल बी एच, एल इंटू बी इंटू एच। दिस इज अ वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। आपको सिर्फ याद रखना है भाई, ये जो मैंने बेसिक चीज बोली है ना, ये आपको याद रखनी है। तो वॉल्यूम क्या होता है? स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द क्यूबॉइड, दैट इज नोन एज अ। और कभी भी आपके पास कोई इरेगुलर क्यूबॉइड दे दिया है, कुछ चेंजेस कर दिए उसने, तो आपसे क्या बोलेगा? ये बेस एरिया निकालना है आपको, इंटू हाइट से मल्टीप्लाई कर देना है सिर्फ। इसमें तब हमारी बात आती है क्यूब की। क्यूब में भी सेम केस है, हमारे पास छह फेसेस रहते हैं, चार वॉल्स टॉप प्लस बॉटम। ये हम देख सकते हैं इस तरीके से, भाई ये हमारे पास फेस हो गए एक दो तीन चार, ये हमारे पास बॉटम और ये हमारे पास रहा टॉप। इसमें केस क्या है भाई? इसमें सारी साइड्स बराबर होती है, ये लेंथ है, ये हाइट है, तो लेंथ और हाइट दोनों बराबर है। फिर ब्रेथ की बात करते हैं, तो ब्रेथ भी हमारे पास, मतलब इसमें आप किसी भी तरीके से देख लो तो आपके पास ये जैसे बिंगो ट्रायंगल होता है ना, तो उस टाइप से हमारे पास वैसे ही है। तो इसमें हमारे पास क्या चीज है भाई? लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों सेम है। कर्व सरफेस एरिया की बात करते हैं, मतलब वही चीज, एरिया ऑफ वॉल्स इसकी बात करेंगे तो ए इंटू ए, ए इंटू ए है ना बेटा, जितना इधर होगा उतना ही पीछे होगा, तो टू ए इंटू ए प्लस, इसकी बात करोगे तो ये भी ए इंटू ए, तो कितना आ गया? टू ए इंटू ए, कितना आएगा भाई? टू ए स्क्वायर प्लस टू ए स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए स्क्वायर। क्या बोल सकते हो आप इसे? फोर इंटू साइड का स्क्वायर, ठीक है। बॉटम की बात करो तो बॉटम में ए इंटू ए, ए स्क्वायर, तो यहां कितना था? फोर ए स्क्वायर था प्लस बॉटम का ए स्क्वायर, कितना आ गया? फाइव ए स्क्वायर। चाहे बॉटम हो चाहे टॉप हो, एरिया यही आएगा। टीएसए की बात करें तो चारों साइड का फोर ए स्क्वायर प्लस बॉटम और टॉप टू ए स्क्वायर, वो हो गया हमारा सिक्स ए स्क्वायर आ गया, जिसको हम सिक्स इंटू साइड का स्क्वायर भी बोल सकते हैं। अब हमारे पास आती थी वॉल्यूम की। वॉल्यूम हमारा क्या होता था? वॉल्यूम होता था बेटा बेस एरिया इंटू हाइट। बेस एरिया हमारा कितना होगा? ए इंटू ए, और हाइट कितनी है? ए, तो ए क्यूब आ गया, मीन्स साइड का क्यूब, ये हमारे पास आ गया। मैंने आपसे बताया था भाई, देखो मैं इतना ज्यादा फोकस क्यों हूं इस चीज के ऊपर, यदि आपको फॉर्मूला समझ में आ गया है तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के क्वेश्चंस कुछ भी नहीं है। सिर्फ आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए, शेप इमेजिन होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए जब वो कर्व सरफेस एरिया की बात कर रहा है तो उसमें क्या क्या चीज लेंगे, जब टोटल की बात कर रहे हैं तो क्या क्या चीज लेंगे, एरिया कैसे आया। ऐसा नहीं है सर हम फॉर्मूला भूल चुके हैं, अब दोबारा नहीं कर पाएंगे, ये चीज तो आपको आनी ही चाहिए।